अच्छा पॉन देख के खत्म हो गया अभी सीखने के लिए आए हो ठीक है यार टी आर एफ क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को क्लिक करो और अभी एंजॉयमेंट के बाद सीखने लगो ब्रो लाइक आई फील कि अगेन ये ये नो फैप की बातें और सीमन रिटेंशन की बातें ये मोस्टली लोग लाइफ में बहुत ज्यादा लेट सीखते हैं आई फील की इवन योर ट्वेंटी आई एम ट्वेंटी हम दोनों ने मे बी लास्ट दो तीन साल में ये चीजें सीखी है एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मैंने सोचा कि ये अगर मैं मैं जब 19 था तब मैं अगर तब मैं जब वो सब कर रहा था तब कोई आकर मुझे बता था तो कैसा होता आ, तो मैंने सोचा वो करके देखता हूं मैं क्योंकि वो सब लोग देखते हैं तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई तो जो जो बात आपने चक्रस के बारे में कही आपका लोएस्ट चक्र का नाम मूलधारा चक्र होता है और बेसिकली मूल आपकी सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस में मतलब आपकी स्पाइन की लाइन में की ऑर्गन होते हैं और जो छह की पॉइंट्स होते हैं आपका फोरहेड आपका थ्रोट आपका चेस्ट आपका स्टमक आपके इंटेस्टाइन और आपके सेक्स ऑर्गन ये आपके छह की पॉइंट होते हुँ। हुँ। हैं तो जो मूल धारा होता है वो आपका सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है और उस उसका पर्पस है स्टेबिलिटी मतलब एक जगह में रहकर हाँ। एक ही चीज पर फोकस रखना आ, जब आप पता है फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिविटी उसकी भी बात आ, करेंगे कि जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखने जाते हो आ, तो आपका फ्लो आ जाता है सडनली जब भी आप एडिट के लिए बैठते हो कभी कभी फ्लो आ जाता है जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपका फ्लो आ जाता है तो वो फ्लो का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके मूलधारा से निकल कर आता है पर अगर हर दिन आप हिलाते जा रहे हो तो फिर आपका exactly. मूलधारा हिल जाता है और फिर आपका फ्लो आसानी से आता नहीं आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ये उसका लॉजिक होता है पर ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलता एक्सैक्टली तो हाँ। क्योंकि आप क्रिएटिव इंसान हो आपको हाँ ये हाँ। हुआ। मतलब करने के बाद। जैसे मैंने कहा कि रात को मैं ज्यादा सोचता हूँ आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में भी बोलते हैं कि एक्चुअली uh, रात का टाइम होता है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी तो उसी टाइम पे मैं क्यों इतना क्रिएटिव फील कर रहा हूँ कुछ तो कनेक्शन है वहाँ पे और uh, जैसे मैंने uh, uh, कुछ प्रैक्टिसेस की थी तो वो कह, कहते हैं कि ये प्रैक्टिस रात में नहीं करनी है। या अगर तुम योगी हो तो चलेगा बट अगर तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो जिसमें यू हैव अ सेक्शुअल लाइफ तो वो रात में नहीं करनी तो ये सब कनेक्टेड है क्योंकि mm. वो टाइम है जहाँ पे तुम या तो वहाँ दे दो या तो यहाँ दे दो mm. और uh, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि हर कोई नो फैप करे और पूरा ये हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है पीपल आर एट डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ मेंटली आल्सो किसी किसी को वो सूट करेगा किसी किसी को वो नहीं करेगा तो मैंने वो रेड पिल ब्लू पिल वाला एक कंसेप्ट रखा था कि रेड पिल मतलब कंप्लीट स्टॉप ब्लू पिल मतलब एक दो बार हफ्ते में चलेगा ऐसा एंड पॉइंट यही था कि जो रोज कर रहा है वो अगर ये सीरीज देख के दो बार करता है तो दैट्स अ विक्ट्री ये नहीं, नहीं कि मतलब आई गॉट सम क्रिटिसिज्म कि तुम ऐसा आइडियल आइडियलिस्टिक ये क्यों रख रहे हो कि बंद करो ये वो बट वो नहीं होने वाला है बट वो देख के आदमी दो पे तो लाएगा वो उन्नीस साल का अठारह साल का लड़का Different. तो वो एंड वो हुआ तो अगर वो हुआ तो इट्स अ विक्ट्री और ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस से समझ सकते हो हाँ, जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ये बात समझ आएगी नहीं गुड यू टॉक्ट अबाउट एक्सपीरियंस मैंने असलीमर सीरीज के पहले इनफैक्ट मैंने खुद को टॉर्चर किया है मैंने 20 दिन मैं वापस देखने लगा था मैंने ये मेरे मेकिंग में बताया है हुँ, हुँ, मैं देखने लगा वापस और उसके बाद जब मैंने स्टॉप किया जस्ट टू सी कि आई फील रिस्पॉन्सिबल कि मैं जो बना रहा हूँ ऐसा नहीं।, नहीं कि कहीं से पढ़ लिया तो मैंने बोला कि नहीं मैं फिर, फिर से एक बार देखता हूँ कि क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है उसके बाद एक महीने तक मैं कुछ लिख नहीं पाया नॉट एट द लेवल जहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी लिखना है तो हो जाता बट वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था एक महीने के लिए मुझे लगा कि मैं नहीं कर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी उतना टाइम लगा मुझे वहां से निकलने के लिए एंड देन टू कम अपर्स्ट